आपकी यहाँ उपस्थिति आज ग्वाल साहब बाबा के इस प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नफरत है कहाँ, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं ग्वाल साहब बाबा के आज के उपदेश के ऊपर केवल आज कई बरसों से मैं यहाँ पे आता हूँ और हम सभी धर्म में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। मुझे इस दरगाह के प्रति भी वही आस्था और श्रद्धा है और उतने उत्साह पर लोग यहाँ पर है। और नफरत तो लोग अपने अपने फायदे के लिए बोते हैं और मैं जिस विचारधारा से हूँ मैं उस विचारधारा के अंदर सबका साथ सबका विकास यही देखते आया हूँ। और मैं पटेल परिवार का दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से हर वर्ष ये पुरुष का त्यौहार मनाते हैं और आज दिन देखेंगे तो दिन ब दिन यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है तो आस्था और श्रद्धा भी उतनी ही बढ़ती गई है ये ग्वाल साहब बाबा के दरगाह की। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि लोगों की गुमराह पे में नहीं जाए क्योंकि ऊपर वाला एक ही है। एक प्यारा सा मैसेज मीरा भाईंदर के सभी लोगों सभी धर्म के लोगों के लिए एज ए यहाँ के दाए। मैं सबको यही कहूँगा कि मैं बनने की कोशिश ना करें, हम बने। हम हिंदू हैं तो मैं मुसलमान है और हम में जो विकास है वो मैं में नहीं है, बस यही। थैंक यू सो मच। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये प्रोग्राम देखना है, बहुत अच्छे प्रवाल आए हुए उनको भी सुनना है। मैं सबका स्वागत करके मेरा दो शब्द पूरा करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। धन्यवाद राजन विचार जी। मैं हमारे आमदार नरेंद्र जी मेहता से कहूंगा कि अपने आशीर्वाद के तौर पर हमें ग्वाल साहब बाबा के जो यहाँ कमेटी है और हमारे जो मेम्बरान है बहुत ही धूमधाम से पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं, आप अपने दो अनमोल शब्द हमें जरूर कहें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस ग्वाल साहब बाबा के उर्स के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे खासदार राजन जी बिचारे, हमारे स्नेही आसिफ पटेल जी, अनिल जी भोसले, सभापति ज्योत्नाताई हस्ताले, नगर सेवक सचिन जी मात्रे, मीरा देवी जी, मेरे मित्र आसिफ जी शेख, तुषार पारदी जी, अनिल जी ताटे, सभी यहाँ पे उपस्थित मान्यवर, सभी पटेल परिवार के सदस्यगण, मैं सबसे पहले इस परिवार का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से उत्साह से ये उर्स मनाते हैं। हर साल मुझे आमंत्रित किया जाता है और मुझे मौका मिलता है अपने लिए भी दुआ मांगने का और इस शहर वासियों के लिए भी दुआ मांगने का मुझे यहाँ मौका मिलता है। मैं आप सबको आज के दिन की बधाई देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, मुझे इतनी ताकत दे शक्ति दे कि इस शहर का विकास मेरे हाथों हो, इस शहर के अच्छे कार्य के निमित्त बन सकूं, सभी समाज को साथ में लेते हुए इस शहर को एक अच्छा सुंदर निर्माण कर सकूं, ऐसा मैं अपने लिए भी दुआ मांगता हूं। और मैं इन सभी परिवार के और इस कमेटी के मेंबरान के सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, उनके लिए भी दुआ मांगता हूं कि उन्हें भी इतनी ताकत मिले कि ऐसे अच्छे कार्य करते रहे, समाज को साथ में लेके चले, सभी का साथ सबका साथ सबका विकास इस विचारधारा पे हम चलते। मैं अक्सर कहता हूं कि मंदिर बना के मस्जिद बना, मंदिर बना के मस्जिद बना, माटी तो मेरे हिंदुस्तान की है, क्या फर्क पड़ता है मंदिर हो या मस्जिद हो। मैं फिर एक बार आज के दिन की शुभकामना और जितने भी कवालगन यहाँ है उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर पे मैं दुआ के साथ साथ कवाली भी सुनने आता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो लास्ट में होता है, इसके बाद मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए जब भी आता हूँ तो उतना मौका मिलता है सुनने का, इसलिए आज देर से आया हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहूंगा जितना सहयोग कर सकते उतना सहयोग करें क्योंकि ये पारंपरिक कार्यक्रम है, धर्म का कार्य है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। मैं उन प्रशासन का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार पटेल परिवार सभी कमेटी मेंबरान का दिल से ढेर सारी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद जय महाराष्ट्र।